नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीजेपी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मना रही है। बीजेपी सेवा और समर्पण पखवाड़े में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। सीएम शिवराज बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। पीएम के जन्मदिन पर एमपी में बीजेपी ने 32,44,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पार्टी के जिला कार्यालयों में भी पीएम मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्म दिवस है और इस 71वें जन्म दिवस को सेवा और समर्पण अभियान के तहत बीजेपी मना रही है। देश भर में इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो भी लगभग 20 दिनों तक आयोजित किए जाएंगे। अगर मध्य प्रदेश बीजेपी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग काम, अलग अलग व्यक्तित्व को जो दर्शाया गया है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। लगातार कोशिश ये की जाती है कि जो लोगों के बीच में पहुंचकर जिस तरीके की जो प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया है, लगाया गया है। और जिस तरीके से अगर पूरी प्रदर्शनी की बात की जाए तो यहाँ पर राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे की बात भी यहाँ पर प्रदर्शनी में कही गई है। हिंदुस्तानियों की पूरी हुई आस, राम मंदिर का भव्य शिलान्यास, ऐसी कई योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है और उन्हीं योजनाओं के तहत पूरा काम जो है वो किया भी गया और सफलता भी मिली। तो ऐसी योजनाओं को यहाँ पर उकेरा गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम पूरी योजनाओं की बात करें, तीन तलाक के बिल की बात करें, तो यहाँ पर तीन तलाक से मुक्ति दिलाई, माता बहनों की दुआएं पाई, इस तरीके का एक स्लोगन भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से जो प्रदर्शनी लगाई गई उस प्रदर्शनी में अनुच्छेद 370 का खत्म होना भी दर्शाया गया है। फिर एक बार चौकीदार की सरकार भी यहाँ पर लिखी गई है और जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों के अभियान अभिमान बढ़ाया, हिंदुस्तान का मान, तो जिस तरीके से ऐसी कई जो प्रदर्शनी के तहत यहाँ पर तस्वीरें या हम इसको कहें कि एक स्लोगन के तहत जो पूरी तैयारी की गई है वो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। पूरी जो बचपन से लेकर अब तक के जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं उन कामों को यहाँ पर दर्शाया गया और जिस तरीके से प्रयास ये किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन परिचय को यहाँ पर दर्शाया जाए ताकि लोगों को इस बारे में भी जानकारी लगे कि किस कठिनाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरा काम किया है और जिस तरीके से अब तक के वो प्रधानमंत्री जब रहे, प्रधानमंत्री बने, उसके पहले उनका जीवन किस तरीके का रहा उसके बारे में भी लोगों को जानकारी लगना चाहिए। इसी के लिए पूरी प्रदर्शनियां जो है वो लगाई गई हैं। देश भर में बीजेपी के कार्यालयों में इस तरीके के प्रदर्शनियों को स्थापित किया गया है और अगर इस राजधानी भोपाल की बात करें तो प्रदर्शनी की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में करने वाले हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पारसर, अनादि टीवी, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्म दिवस है।